करते हैं तज़किरे जो करते हैं तज़किरे जो बराबर हुसैन के सुभान अल्लाह भैया जरा सा हाथ उठा के बोल दिया करते हैं तज़किरे जो बराबर हुसैन के। एक बात बता दूं, ये यूट्यूब जो है हमको नहीं कैच कर रहा है, आपकी समाज को भी कैच कर रहा है। कितना अच्छा आप सुनते हैं, देखे आप भी दुनिया में जाएंगे। वाहिद मैं नहीं हूँ कि सिर्फ मैं देखूं, कम से कम इत्मीनान दिला दिया करें कि मतलब कैसा सुन रहे हैं, कैसा क्या है, कैसा तो मन लगता है, बाकी मन लगता नहीं है। इस तरह से जो है सुनने में ना हमें मजा आ रहा है ना आपको मजा आ रहा है। करते हैं तज़किरे जो बराबर हुसैन के, करते हैं तज़किरे जो बराबर हुसैन के, करते हैं तज़किरे जो बराबर हुसैन के, जाते एक मतलब पढ़ रहा हूँ, मतलब सानी देखना चाहता हूँ कि इसका एक अजीब कैफियत का ये मतलब हुआ है। मुलाहिजा करें, देखें आज कर रहा हूँ, मुलाहिजा करें। पहले थे नाम लेवा 72 हुसैन के, अब इतने अच्छे शेर को ना बोलोगे तो फिर कब बोलेंगे, कब बोलेंगे। पहले थे नाम लेवा 72 हुसैन के, पहले थे नाम लेवा 72 हुसैन के, अब नाम लेवा हो गए घर घर हुसैन के। अब नाम लेवा, अब नाम लेवा हो गए घर घर हुसैन के। तीसरा मतलब मुलाहिजा करें, दुश्मन से कहे रहे थे बहादुर हुसैन के, दुश्मन से कहे रहे थे बहादुर हुसैन के, हम लोग एक शेर पढ़ता हूँ, और शेर इसलिए पढ़ूंगा कि मैं भी देख लूं कि मेरे शेर में कितना दम है, मेरे शेर में कितना दम है, और उसी शेर को सुनने वाले शेरों में कितना दम है। अब कितने लोग इस शेर को सुनने के बाद, मस्त होने के बाद मोहब्बतों का खिराज पेश करते हैं अल्लाह के घर के लिए, देखना चाहता हूँ। सब तो दे चुके हैं ना, लेकिन कुर्बानी उसी का नाम है कि जब कुछ ना हो और अपनी जरूरत के लिए कुछ बचा उसको भी दे दिया जाए। सुने, देखना चाहता हूँ शेर पे, आजमगढ़ है।
आजमगढ़ है, जहन में बात ये है मेरे, सुने शायद मैं कोई बहुत बड़ा शेर पढ़ने आ रहा हूँ। एक फर्द भी यजीद का बचता न जंग में, ये दाद आजमगढ़ की नहीं है, पढ़े लिखे लोगों की ये दाद नहीं होती, ये दाद बहुत जबरदस्त होना चाहिए आपकी। इतना बड़ा शेर पढ़ने जा रहा हूँ। एक फर्द भी ये दामन करबला वालों के सबके में मेरा फैल जाएगा, और देखना चाहता हूं कितने लोग आते हैं शेर को सुनने के बाद अपनी मोहब्बतों का खिराज पेश करने के लिए। हाजिर कर रहा मुलायदा करें। एक फर्द भी यजीद का बचता ना जंग में, कसम खुदा की, कसम खुदा की, एक फर्द भी यजीद का बचता ना जंग में, अरे घर जीतना ही चाहते असगर हुसैन के। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मैं थोड़ा सा जो है भूल गया, और माधव के साथ ये जिला मऊ है, और हाँ क्योंकि मैं यहाँ आया हूँ तो बिल्कुल सोता हुआ आया हूँ, मैंने रास्ते भी नहीं देखे मैं कहाँ जा रहा हूँ। और एक बात याद रखिएगा, इस शेर को छुट्टी सुन के छुट्टी ना पाइएगा कि छुट्टी मिल गई, इससे भी बड़ा मैं शेर सुनाऊंगा। हकीकत कह रहा हूं, इससे भी बड़ा शेर सुनाऊंगा, सुने। एक फर्द भी यजीद का, थोड़ा सा इको खोल, थोड़ा सा और बेस को कम करो, बेस कम करो, मशीन में अगर बेस कम करने का बटन हो तो उसका इस्तेमाल करो। हेलो हेलो, इको दो, तुम्हें नहीं अच्छा लगता क्या कि आवाज कैसी, कम से कम तुम भी समझा करो कि आवाज कैसी आ रही कैसी नहीं आ रही। हेलो हेलो, सुने अच्छे, अब यहीं पर रोके रहना। एक फर्द भी यजीद का बचता ना जंग में, कर जीतना ही चाहते अकबर हुसैन के असगर हुसैन के। शेर सुनिएगा जरा मोहम्मद से कहते सुभान अल्लाह। एक शेर पढ़ दूं और उसका तर्जमा मैं कर देता हूं, बताने की कोई जरूरत नहीं आपको, आपको बेदार करने की कोई जरूरत नहीं, हो सकता है इस शेर से बेदार हो जाए। कि नबी के जिक्र से मिलती है जिस्म को ठंडक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखना हो आपकी समातों के दरवाजे कहां तक के खुले हैं। नबी के जिस्म से, नबी के जिक्र से मिलती है जिस्म को ठंडक, अली का जिक्र लहू को उबाल देता है। बस बताने की तो कोई जरूरत नहीं ना। अब एक शेर सुने, क्या जानता नहीं है फजीलत हुसैन की, क्या जानता नहीं है फजीलत हुसैन की, औसाफ कर बयां तू नहा कर हुसैन के,
मैं बहुत धीरे से पढ़ गया शेर को, बात समझ रहे हैं। अब एक शेर जो मैं पढ़ूंगा उसको सुनिए आप, हाँ जो कह रहा हूँ एक शेर और बहुत धीरे से पढ़ना चाहता हूँ। था ज़ालिमों की फौज को इस बात का भी डर, था ज़ालिमों की फौज को इस बात का भी डर, अब्बास बावफा है बिरादर हुसैन के, अब्बास बावफा है बिरादर हुसैन के। पूरे मजमे से नहीं बल्कि पूरे जिले से मेरी गुजारिश है, क्योंकि इतने टाइम लाइव चल रहा है, मैं कह सकता हूं पूरे जिले से। इतना बड़ा शेर, इस कैफियत का शेर मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं कहा, लेकिन एक शेर पढ़ रहा हूं। बस ये समझ लीजिए कि जितने लोग बैठे हैं इस शेर को सुनने के बाद, जैसे एक सैलाब नहीं आता है वैसे अल्लाह के घर के लिए चल दीजिएगा। जरा हाथ उठा के बताएं कितने लोग चलना चाहते हैं इस शेर के साथ, कितने लोग सफर करना चाहते हैं अल्लाह के नबी की, अल्लाह के नबी की महफिल में हाथ उठाया है इसकी लाज। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, शेर सुने। भैया ए बेटा, बेटा दुआ कर दूंगा, शादी कोई नहीं करेगा, बद्दुआ का आलम बहुत बुरा है। शेर सुना है। रोए रोए की फूट फूट के सारी यजीदियत, इसमें यार बोल दो जरा सा हाथ उठा के, हाथ उठा के। रोए रोए की फूट फूट के, फिर मैं कह रहा हूं तवज्जो मेरी तरफ रखो, और बहुत बड़ा शेर मैं पढ़ने जा रहा हूं। इस शेर के साथ कितने लोग सफर करना चाहते हैं हाथ उठा के बताएं, हाथ उठा के बताएं। डर किस बात का है, तुमसे सिर्फ अल्लाह के लिए कुछ ना कुछ मांगा तो जा रहा है, जान देने की बारी कैसे? आप दावा कितने करते हैं कि सर कटा देंगे वाले है, मजहब इस्लाम के लिए सर कटा देंगे, खाली जबान है या जिगरा भी है? जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। आप सारे लोग हाथ उठा के बताएं कि हम लोग सफर करना चाहते हैं सुभान अल्लाह। सुने। रोए रोए की फूट फूट के सारी यजीदियत, रोए की फूट फूट के सारी यजीदियत, महेश्वर के रोज पांव पकड़ कर हुसैन के। क्यों जैसा मेरे शब्बीर वैसा कौन करता है, क्यों जैसा मेरे शब्बीर वैसा कौन करता है, अली असगर को देकर दीन जिंदा कौन करता है, अली असगर को देकर दीन जिंदा कौन करता है, झुका है सर तो मैदाने कयामत में ही उठेगा।